हेलो जिगे नीट एस्पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड मेंटर रोहित कक्कड़। इस वीडियो में अभी हम एक मोटिवेशनल एक्टिविटी करेंगे, तो अगर आपने मेरा मोटिवेशनल एक्टिविटी पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप पार्ट वन वीडियो देखें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आपको यहाँ पे कार्ड पे भी मिल जाएगा। सो ओनली आफ्टर वॉचिंग पार्ट वन प्लीज़ आप पार्ट टू ये वाला वीडियो देखेगा। सो मोटिवेशनल एक्टिविटी पार्ट वन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं और आप क्यों उस कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे को कमेंट्स में बताया कि वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने रीज़न भी दिए कि हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो इस मोटिवेशनल एक्टिविटी पार्ट टू में मैं अब आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि इस कॉलेज में जाने के लिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली में जाने के लिए क्या आपको पता है कि आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक लानी होगी? और दूसरा सवाल ये होगा कि अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक आपको लानी है, लेट्स आपको अंडर 500 ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो क्या आपको पता है ये 500 ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको कितना एफर्ट डालना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सो इन सवालों के जवाब प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितनी ऑल इंडिया रैंक आपको लानी पड़ेगी उस कॉलेज में जाने के लिए, और कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, डेली आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, हर चैप्टर पे आपको कितने घंटे थ्योरी पे देने हैं, कितने घंटे सॉल्व एग्जांपल्स पे देने हैं, और कितने घंटे अनसॉल्व क्वेश्चंस पे देने हैं, और कितने टेस्ट देने हैं आपको, ओवरऑल पर चैप्टर आपको कितने सवाल करने हैं, और आपकी प्रिपरेशन जर्नी का प्लान क्या होना चाहिए, क्या ये आपको पता है या नहीं पता है? सो प्लीज़ डू दिस एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस विल फर्दर मोटिवेट यू, इंस्पायर यू इन दिस प्रिपरेशन जर्नी कि आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक लानी है, और उस ऑल इंडिया रैंक को लाने के लिए कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, कितना फोकस, अटेंशन लगता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।